हेलो गेमर, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गेमर, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप GTA Vice City में अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले सकते हैं। इसीलिए मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि कहीं से भी इसके मत कीजिए ताकि आपको फुल समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता दूँ कि आप के PC में जो है दो शिफ्ट के बटन होते हैं, एक राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला। जब भी हम चीट्स बताते हैं, हमारे पास तो काम करता है, वर्क करता है, लेकिन आपके पास वो चीट्स वर्क नहीं करता। उसका रीज़न यही होता है कि हम राइट साइड वाला शिफ्ट बताते हैं और आप जो है लेफ्ट साइड वाला शिफ्ट को दबा देते हैं, इसलिए आपके पास वो शिफ्ट मिसाल तौर चीट्स वर्क नहीं करता। तो इसलिए कहता हूँ कि इस वीडियो को जो है मुकम्मल देखिए तफसील के साथ, ताकि आपको पूरी वीडियो जो है समझ में आ जाए। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चल वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ आपने उसे बिल्कुल सही तरीके से देखना है। फिर यहाँ जो है लेफ़्ट साइड वाला शिफ्ट का बटन नहीं दबाना, आपने दबाना है राइट साइड वाला शिफ्ट का बटन और उस आर शिफ्ट प्लस जे दबाना है, तभी जो है आप अपनी गर्लफ्रेंड को चाहे प्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो या कार हो उसमें ले सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दबा के दिखाता हूँ, ये देखिए आर शिफ्ट प्लस जे, जैसे मैंने दबाया ये देखिए गर्ल्स हमारे साथ आ गए। उम्मीद है फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार दीजिए और साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए आप भी गेम को इंजॉय कीजिए और मैं भी गेम को इंजॉय करता हूँ। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आप इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।